for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ, और ये दिस इज सवाल सवाल ड्रीम फॉर मी. ओके सॉरी सॉरी. हाँ तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें. ऐसा नहीं कि लास्ट दो महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी नौ महीने दस महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास ट्वेल्थ के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाएं. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है. तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए, मेरे पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है. उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो. माय सर, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन मिसबा स्कूप दैट शॉट ओवर टू श्रीशांत एंड आल्सो बिफोर हिटिंग द वर्ल्ड कप विनिंग सिक्स ओवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन नहीं, जहां तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए, तो टीवी में जब मैंने देखा वापस आने के बाद, हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था. और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया गया, मतलब वन बाउंस फोर हो गया. बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट सो जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो ऐसा हो कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है. तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो तीन बार ऐसे ऐसे हो चुका था. मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता, बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है. दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको. सो आई फील दैट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस. और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए, तो इट वॉज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए. क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है, क्यों, इंडिया में हो रहा है. मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था. आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, एवरी टाइम इट वॉज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे ना, और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है.